वेलकम बैक दोस्तों, डेकोरम कार्य सीरीज पे है। आज टोटल चार टाटा की पंच, दो अपने सामने खड़ी है, ये अपनी ग्रे वाली है और ये अपनी व्हाइट वाली। साथ ही दो गाड़ी अपनी जो है वो पार्किंग में भी है। एक आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाइट कलर की ये वाली भी है और व्हाइट कलर की वो वाली भी है। दोनों ही अपना जो बेस मॉडल प्योर है वो रहने वाला है। इस वाली अपनी जो आरजे नंबर वाली गाड़ी है, इसकी बात हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वाली कार की, जिसके अंदर काफी कुछ जो फिटमेंट है वो किया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें जो है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही है। व्हाइट कलर में है, बेस मॉडल प्योर। सबसे पहले गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। तो सारी सीटें वगैरह जो है वो यहाँ पर निकली हुई है, सीट कवर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है कंप्लीट। अगर आप इसका फ्लोर देखेंगे तो यहाँ पे अभी 22 लोग जिस तरीके से कंपनी से आता है, अभी वाला फ्लोर यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके ऊपर अपनी जो फ्लोरिंग है उसका फिटमेंट भी रहने वाला है। बाकी इस वाले मॉडल के अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, म्यूजिक सिस्टम का जो अपग्रेड है वो किया जा चुका है। स्पीकर आप देख सकते हो, तो स्पीकर का जो फिटमेंट है वो किया जा चुका है। और यहाँ पे आप देखो तो अपने JBL के जो कंपोनेंट स्पीकर्स हैं फ्रंट डोर के अंदर वो इंस्टॉल किए गए हैं प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ, जो इसका फिटमेंट है कंप्लीट हो चुका है। बाकी रियर डोर में आते हैं तो रियर डोर के अंदर अपने जो कोएक्सियल स्पीकर हैं उनका यहाँ पे फिटमेंट जो है वो हो चुका है। तो स्पीकर का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा सेंटर डोर लॉकिंग जो है RD कंपनी की, उसका जो फिटमेंट है वो किया जा रहा है। बाकी आप आते हैं फ्रंट में, तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो फ्रंट का व्यू किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। प्योर मॉडल है तो इसके अंदर आपको फॉग लैंप जो है वो नहीं मिलते हैं, आप भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी जो फॉग लाइट है वो फिट करी जा चुकी है LED बल्ब के साथ। हेडलाइट में जो LED बल्ब का फिटमेंट है वो किया जाना है, ऊपर पार्किंग बल्ब चेंज होगा और DRL जो है वो लगाया जा चुका है। एक अपडेट इसके हॉर्न के अंदर भी किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपने डुअल टोन वाले जो अपने हॉर्न्स है वो यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। इसकी दूसरा वाला जो है इसके अंदर ढक चुका है। एक यहाँ पे आप चेक करिए तो RD कंपनी की जो अपनी सेंटर डोर लॉकिंग है उसका सायरन जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो जितना भी काम किया गया है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वाले की अगर हम बात कर लेते हैं, सारा कपलर टू कपलर आपको देखने को मिल जाएगा। फिटमेंट आप यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे किया जा रहा है। अपना जो कॉफी कलर का इंटीरियर है वो आपको इस वाली कार के अंदर देखने को मिलने वाला है। कंप्लीट जो बकेट फिटेड सीट कवर्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको पैटर्न वगैरह देखने को इसके अंदर मिल जाता है। व्हाइट कलर की पाइपिंग है, साइड में बर्फी डिजाइन और बीच में आप GT पैटर्न यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का ओवरव्यू जो है आपको देखने को मिल जाता है। कार के इंटीरियर में लगेगा, फिर दिखाएंगे किस तरीके का इसका आउटपुट आता है। बाकी आप यहाँ पे देखो स्पीकर का बॉक्स, तो अपना जो स्टेज 3 वाला फ्रंट डोर के अंदर जो कंपोनेंट स्पीकर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और रियर डोर के अंदर अपना जो कोएक्सियल स्पीकर ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अपनी जो एम्बिएंट लाइट है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं और ये आप इसको चेक कर लीजिए। तो अपनी एम्बिएंट लाइट जो है वो रहने वाली है एक्सट्रीम ब्रांड की और ये टोटल 10 पीस में रहेगी। चारों दरवाजों पे रहेगी अपने डैशबोर्ड के ऊपर और 4 पीस अपने फुटवेल पे रहने वाले हैं और ये एक्सट्रीम ब्रांड की रहेगी। तो इसके अंदर आपको 1 ईयर की जो वारंटी है वो भी मिल जाएगी। एक अपडेट इसकी पावर विंडोज के अंदर भी जो है वो किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस वाले मॉडल यानी कि बेस मॉडल प्योर के अंदर आपको सिर्फ आगे की 2 जो पावर विंडोज है वो मिलती है, यहाँ पे अपडेट रहने वाला है। अपनी टाटा जेन1 जो अपने स्विचेज है यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो चारों पावर विंडोज जो है इस वाले मॉडल के अंदर इंस्टॉल करी गई है, यानी कि ड्राइवर साइड से ही आप रियर की जो पावर विंडोज है उनको भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर लीजिए तो प्रॉपर अपना जो है ये वर्किंग देखने को आपको मिलने वाला है। चारों पावर विंडोज का जो अपडेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और रियर का भी आपको एक बार मैं व्यू दिखा दूँ किस तरीके का रियर में रहने वाला है। तो आप रियर का यहाँ पे जो डोर पैनल है वो चेक कर लीजिए और जो इसका स्विच है वो आप भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसके अंदर भी आपको जो टाटा का लोगो है यहाँ पे, तो टाटा जेन1 अपने जो स्विचेज है वो उसके साथ यहाँ पे जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से भी प्रॉपर आप वर्किंग चेक कर सकते हो किस तरीके से अपना रहने वाली है, ये देख सकते हो आप। तो प्रॉपर वर्किंग अपना रहने वाला है ओरिजिनल टाटा के स्विच के साथ जो है यहाँ पे इसका अपडेट किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो अपनी जो फ्लोरिंग है उसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और बर्फी वाली फ्लोरिंग इसके कंप्लीट फ्लोर के ऊपर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का जो फिटमेंट है वो आ रहा है। ये कंप्लीट अपनी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अपने पास डाई वाली का भी ऑप्शन है, तो अगर आप चाहें तो डाई वाली भी लगवा सकते हैं, उसकी जो फिटमेंट है थोड़ी ज्यादा बेहतर आती है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके का है। सीट कवर जो है वो लग चुके हैं और सीटों का जो फिटमेंट है वो दोबारा से गाड़ी के अंदर किया जा चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ब्राउन कलर की कॉम्बिनेशन के साथ जो अपने सीट कवर्स हैं वो किस तरीके का जो व्यू है वो आपको ऑफर कर रहे हैं। अब इसके अलावा काम क्या बचा है, तो वहाँ पे आपको जो कंप्लीट जो डैशबोर्ड है उस पैनल के ऊपर आपको जो इंटीरियर वर्क है सेम कॉम्बिनेशन के साथ वो देखने को मिलने वाला है। डोर पैनल पे रहने वाला है, एमबीएंस लाइट लगने वाली है 10 पीस में वो रहेगी, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। बाकी अपने जो व्हील कवर्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये वाले अपने जो व्हील कवर हैं वो उसका फिटमेंट जो है इस वाली कार के अंदर किया जाएगा, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इस वाले मॉडल के अंदर कोई व्हील कवर नहीं आते, तो अपने डुअल टोन वाले जो व्हील कवर्स हैं उनका फिटमेंट किया जाना है। रियर में अपना जो स्पॉइलर है वो इंस्टॉल किया जाएगा, डोर वाइजर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है और अपनी जो लोअर गार्निश है वो लगाई जानी है। तो दोस्तों अपनी गाड़ी जो है वो आ चुकी है अपनी शॉप के ऊपर, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डेकोरम कार की सीरीज, और इसका काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस कार के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इंस्टॉल करी गई हैं। तो सामने से आप जो है वो लुक चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो जबरदस्त लाइटिंग सिस्टम के अंदर जो अपडेट है वो आपको इस वाली वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है। लाइट का रिस्पॉन्स अगर हम रोड पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं, तो सामने जो व्यू है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। तो लाइटिंग सिस्टम के अंदर कहें तो काफी अच्छा जो अपडेट है वो आपको इसका देखने को मिल जाता है। अब लगा क्या क्या है अगर हम उसकी बात करते हैं, तो बेस मॉडल है, आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं।
फॉग लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है एलईडी बल्ब के साथ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हेडलाइट के अंदर जो है यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, तो इसके अंदर जो एलईडी बल्ब है वो इंस्टॉल किया गया है। और ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो इसका पार्किंग बल्ब है वो चेंज किया गया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी डीआरएल लाइट है वो भी इंस्टॉल करी गई है, और ये डुअल पर्पज वाली है, इंडिकेटर पुट करेंगे तो सिक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करती है। बात करें अगर साइड प्रोफाइल की दोस्तों, तो कंप्लीट जो साइड प्रोफाइल है इस कार का आप वहाँ यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी कई सारे अपडेट जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्हील कवर्स देख सकते हो, इस वाले मॉडल के अंदर आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते, तो डुअल टोन अपना सिल्वर और पियानो ब्लैक के इंसर्ट के साथ जो अपने व्हील कवर्स हैं उनका जो अपडेट है वो किया गया है। रूफ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले एंटीना है वो देखने को मिल जाता है, जो कि इस मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलता है, तो एंटीने का जो फिटमेंट है वो किया गया है, और ये सेम एज टॉप मॉडल वाला जो एंटीना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो इसके बाद अपनी जो रूफ रेल्स है वो यहाँ पर फिट करी गई है, किस तरीके की है वो भी आप चेक कर लीजिए। और इसकी ये जो रूफ रेल दोस्तों परफेक्ट अपनी फिट होती है, क्योंकि ये अपनी पंच की परफेक्ट रहने वाली है, यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। फिटमेंट में आपको कहीं पर भी गैपिंग वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलने वाली, और प्रीवियस कई सारी वीडियोज में मैंने दिखाया हुआ है कि आप इसको पकड़ करके पूरी गाड़ी भी ला सकते हो, ये निकलने वाली नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसके जो डोर वाइजर है वो फिट किए गए हैं, नॉन क्रोम लाइन डोर वाइजर है, इसके ऊपर आपको प्रॉपर पंच की जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको क्रोम का भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगवाना चाहते हैं। डोर हैंडल्स के ऊपर भी अपना जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये आप चेक कर लीजिए। और रियर के जो डोर हैंडल्स हैं उनकी फिटमेंट यहाँ पर रखी गई है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद बात आती है अपनी, यहाँ पे आप देखें तो लोअर गार्निश जो है वो इंस्टॉल करी गई है, और ये 6 पीस लोअर गार्निश फुल क्रोम इंसर्ट के साथ वो यहाँ पर अपडेट करी गई है। बेसिकली ये पोर्शन ब्लैक कलर में आता है, लोअर गार्निश लग जाने के बाद डे के टाइम में इसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहता है, तो काफी अच्छा जो है इसका भी जो अपना अपीयरेंस है वो मिल जाता है। अपने पास 6 पीस में भी अवेलेबल है, अपने पास 8 पीस में भी है, 8 पीस वाले जो है वो यहाँ तक आ जाती है, तो आपके ऊपर में कि आप कौन से लगवाना चाहते हैं। बाकी डोर एज गार्ड जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये डोर एज गार्ड है वो लगाए गए हैं, तो साइड से सारी कुछ जो एक्सेसरीज हैं वो इस कार के अंदर फिक्स करी गई हैं, फिट करी गई हैं। बाकी रियर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो रियर में सबसे पहले आप देखिएगा रियर का स्पॉइलर ये यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे क्या है आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक व्हाइट का जो कि अपने सामने लगा हुआ है, और एक मिल जाता है अपना ब्लैक कलर का। व्हाइट की जो मैचिंग है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, परफेक्ट मैच तो नहीं आता, लेकिन इसके पास आपके पास ऑप्शन है कि आप ब्लैक भी लगवा सकते हो, उसका लुक भी काफी अच्छा आता है, तो आपके पास दोनों ही जो ऑप्शन है वो आपको देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी रियर व्यू कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है, फिटमेंट यहाँ पर करी गई है। इंटीरियर में चलते हैं फिर दिखाते हैं किस तरीके का इसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है। बात करते हैं अब इस कार के इंटीरियर की दोस्तों, तो यहाँ पे कंप्लीट आपको जो इस कार का इंटीरियर है वो ब्राउनिश फिनिश के अंदर देखने को मिलने वाला है, बेसिकली आप इसको कॉफी कलर भी कह सकते हो, और लुक देख सकते हो किस तरीके का आपको जो है कंप्लीट इंटीरियर का देखने को मिल रहा है। सीट कवर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो कंप्लीट अपना जो कॉफी कलर का सीट कवर है वो आपको देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। पाइपिंग है साइडों में आपको यहाँ पे बर्फी डिजाइन, और बीच में आप यहाँ पे जीटी पैटर्न टाइप जो है वो कंप्लीट जिसका व्यू है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो मून डिजाइन के अंदर बेसिकली अपना डुअल टोन के फिनिश के साथ अपने जो स्टीयरिंग रैप है वो भी देखने को मिल जाता है। और इसकी फिटमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे कंप्लीट जो है यहाँ पे स्टिचिंग के साथ इसका जो फिटमेंट है वो किया जाता है, चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको जो व्यू है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है, फिटमेंट किस तरीके की है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और कंप्लीट जो अपना इंटीरियर है उसके अंदर आपको यहाँ पे आप चाहे इतने पैनल्स देख रहे हो जो कि व्हाइट फिनिश के अंदर आते हैं बेस मॉडल के अंदर, सारे कुछ आपको जो है यहाँ पे इसी सेम कॉम्बिनेशन के साथ देखने को आपको मिलने वाले हैं। चाहे आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, ये कंप्लीट अपना जो डैशबोर्ड वाला पीस है इसके ऊपर यहाँ पे रैपिंग करी गई है, इस वाले पीस के ऊपर आपको जो रैपिंग है वो देखने को मिल जाती है। चारों जो अपने डोर पैनल्स हैं उसके ऊपर भी आपको सेम जो कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और फिटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम जिस तरीके से इसको निकाला गया है उस तरीके की जो फिटमेंट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, चेक कर सकते हैं किस तरीके का जो व्यू है वो आ रहा है। और फिटिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके की फिटमेंट है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, तो जिस तरीके से इसको निकाला था उसी तरीके से इसको वापस जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो 10 पीस वाली यहाँ पर K3 वाली जो MS लाइट है जिसके बारे में मैं आपको डे टाइम में बता रहा था वो यहाँ पर अपडेट करी गई है, तो इसका व्यू भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। मल्टीपल कलर्स के अंदर आती है, और यहाँ पर जो है इसका आपको बटन भी देखने को मिल जाएगा, कैसा इसका रिस्पॉन्स है उसकी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कलर जो है चेंज करके आपको दिखाता हूँ, तो ये आप कलर जो है अलग अलग कलर्स के अंदर इसको जो है वो देख सकते हैं, और काफी अच्छा जो इसका इम्प्रेशन है वो बेसिकली आपको देखने को मिलने वाला है।
चार पीस और डोर पैनल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दो पीस अपने जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा और चार पीस जो है इसके फुटवेल्स के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये चारों ही फुटवेल्स के ऊपर जो है इसका फिटमेंट किया गया है। फ्लोरिंग की बात मैं कर चुका हूँ, फ्लोरिंग कंप्लीट जो फ्लोर है उसके ऊपर जो है वो करी गई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी दोस्तों सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल टाइप जो अपना आर्मरेस्ट है वो भी अपडेट किया गया है, चेक कर सकते हो किस तरीके का है। और इसके अंदर आपको ना यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे स्लाइडिंग का फीचर आपको इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा पीछे आते हो तो यहाँ पे आपको एक कप होल्डर जो है वो मिल जाता है, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो आप इसका यूज कर सकते हो। एश ट्रे के लिए आपको जगह मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देखो तो यहाँ पे स्पेस दिया गया है और इसको उठा करके आप पीछे भी कर सकते हो अगर आपको हैंड ब्रेक यूज करने में दिक्कत आती है तो भाई ये भी लगवा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक अपनी जो नेगेटिव चीज ये है कि थोड़ा सा इसमें ना वाइब्रेशन का इशू जो वो रहता है और हैंड ब्रेक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसके पास भी इसके ऊपर भी जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग माउंटेड अपने जो कंट्रोल्स हैं वो अपडेट किए गए हैं, टाटा जेन्युइन रहने वाले हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको इसका जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाता है। प्रॉपरली पेयर्ड है म्यूजिक सिस्टम के साथ, यहाँ पे आप देखें तो वॉल्यूम प्लस हो रही है, वॉल्यूम माइनस हो रही है, अपना म्यूट एंड म्यूट का बटन प्रॉपर वर्क करने वाला है, इस तरीके से अपना बीटी के जो कंट्रोल्स हैं वो वर्क करने वाले हैं। और ये टाटा जेन्युइन जो है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है। अब आती है बात म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। 9 इंच की स्क्रीन के साथ अपने सिस्टम है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है, चेक कर लीजिए। और इसका जो रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके सामने है किस तरीके का टच का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। क्रोम ब्राउजर है, मैप दिया गया है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो मैप है वो मिल जाता है और कितने टाइम में ये खुल रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर अपनी जो नेट की स्पीड है वो भी डिपेंड करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो प्ले स्टोर आ गया है, यहाँ पे आप देखो तो यूट्यूब है, इस तरीके की सपोर्ट जो है वो आपको मिल जाते हैं। स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी आप देखें तो रियर व्यू कैमरा जो है वो भी अपडेट किया गया है, कैमरे का रिस्पॉन्स किस तरीके का है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। रियर व्यू कैमरे का आउटपुट नाइट टाइम में किस तरीके का आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक करके अंदाजा लगा सकते हो। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक बल्ब भी चेंज किया गया है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, एलईडी बल्ब यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। अब बात आती है इसकी पावर विंडोज की, टाटा जेन्युइन जो रियर पावर विंडोज है वो यहाँ पर लगाई गई है, कैसा इसका फिटमेंट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और इन पावर विंडोज से जो है आप ड्राइवर साइड से रियर की पावर विंडो जिस तरीके से आपको इसके अपर मॉडल एक्स अपना जो है एडवेंचर में मिलता है सेम उस तरीके से आप इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। और फिटमेंट भी आप चेक कर लीजिए किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। एक बार आपको मैं रियर का जो स्विच है वो भी चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे आप रियर का जो स्विच है वो भी देख लीजिए, टाटा जेन्युइन ये भी रहने वाला है और यहाँ से भी प्रॉपर जो ऑपरेशन है इसका आपको ये देखने को मिल जाता है। बाकी रियर सीट का फिटमेंट भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको ये देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप कंप्लीट चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको व्यू मिल रहा है। और यहाँ पे फिटमेंट भी आप देख लीजिए, हेडरेस्ट वगैरह बिल्कुल प्रॉपर जो है फिटिंग के साथ आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएंगे। पाइपिंग वगैरह का जो इंस्टॉलेशन है उसके साथ यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। फ्लोरिंग भी आप यहाँ पे देख लीजिए, तो कंप्लीट फ्लोर के ऊपर अपनी जो फ्लोरिंग है बर्फी डिजाइन के साथ वो यहाँ पे अपडेट करी गई है। तो दोस्तों इस कार का सारा फिटमेंट आपने देख लिया है, एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। सर सबसे पहले नाम बताइए। मैं रविंदर राठी बोल रहा हूँ। रविंदर राठी, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? सर मैं करनाल से है। यहाँ के बारे में डेक्रोम कार एक्सेसरीज के बारे में कैसे बजा रहा सर आपको? अरे मार्केट में फेमस नाम है आप लोगों का, अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। करोल बाग में यूट्यूब के माध्यम से बंदा आ सकता है, कहीं से भी अगर आकर के यही पूछेगा कि मैंने पंच का सरपंच बनाना या पंचनामा करना या गाड़ी का किसी भी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करना है तो एक ही नाम गूंजता है यहाँ पर, डेक्रोम कार के नाम से ही। तो डेकोरम कार सुन करके आप यहाँ पे आए, जितनी एक्सेसरीज आपको चाहिए थी सारी यहाँ पे मिल गई आपको? बिल्कुल सभी एक छत के नीचे मिल गई। तो ये कहा जाए कि डेकोरम कार एक्सेसरीज पंच के लिए वन स्टॉप शॉप है, तो क्या ये गलत होगा? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, एक दिन में ये 6-7 गाड़ियाँ पंच की करते हैं। अच्छा ये आपने कही बात, आपने देखा मार्केट के अंदर और भी गाड़ियाँ जो है मॉडिफाई होती हैं, तो पंच आपने कहाँ कहाँ देखी? पंच गाड़ी को भी एक आध इधर उधर दिखती है किसी के पास खड़ी हुई, बाकी मेजोरिटी बाकी 4-5-6 गाड़ियां डेली इनके पास ही मॉडिफिकेशन होती हैं। तो आपने गाड़ी की मॉडिफाई करा ली, सारा काम करवा लिया है, फिनिशिंग फिटमेंट आपको कैसी लगी सर गाड़ी की? बहुत बढ़िया है फिलहाल, तो बाकी चलने के बाद देखते हैं कुछ लूज होगा टाइट हो क्या हो क्या नहीं होगा, लेकिन एडिट स्पोर्ट तो ठीक है, अच्छा काम है। मतलब अभी का जो सामने है वो सारा कुछ बढ़िया काम हो गया? बढ़िया काम हो गया। तो नंबरिंग की बात करनी हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? नंबरिंग 10 में से 10 ही है फिलहाल, तो क्योंकि हमारा भी इन्होंने रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ जो है ना बिल बनाया था कोई ना कोई रिकॉर्ड किया है इन्होंने, तो मतलब ये कहा जाए संतुष्टि से सारा काम सेटिस्फेक्शन के साथ बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब पेमेंट आपने कितनी कर दी है? पेमेंट सर मैंने 90,500 रुपये किया है इनको। 90,500 रुपये जी। तो ये सर पेमेंट वर्थ है अपनी? पेमेंट ठीक है, मतलब जितना काम मैंने करवाया बहुत बढ़िया काम हुआ उस हिसाब से, तो अगर मार्केट में करवाता तो 1+ से ही खर्चा था मेरा ये। तो ये सारा काम वर्थ हो गया सर अपना? जी जी। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।